सो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरा फ्रेंड टैब भी खुला हुआ है और अभी मैं गेम के अंदर भी आ चुका हूँ, तो आराम से गेम प्ले चल भी रहा है हम दोनों का। सो वेलकम बैक गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू फिक्स फ्रेंड्स टैब। फ्रेंड्स टैब में भाई हमको हमारे जो दोस्त हैं वो दिख भी नहीं रहे हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। वह ऑनलाइन भी है फिर भी वो ना ही मुझे दिखाई दे रहा है और ना ही वो मुझको देख पा रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं भाई? बहुत ही बढ़िया ट्रिक है मेरे पास, आप एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आपके सब कुछ फिक्स कर दूंगा, 100% मैं फिक्स कर दूंगा, 100% कह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो मैंने लास्ट जो रिसेंट वीडियो मैंने डाली थी, तो वहाँ पर भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, भाई मज़ा ही आ गया उस वीडियो के व्यूज़ वगैरह देखकर और आपका सपोर्ट देखकर। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना भाई, मोटिवेशन मिल जाती है नई वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी। सो इसीलिए अभी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी जल्दी से अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बाद में आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ट्रिक को वर्क करने के लिए सबसे पहले उसकी कोई सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, तो फिर ही वो वर्क करेगी चीज़ आपके लिए और प्रॉपर वर्क करेगी, 100% वर्क करेगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और इन सेटिंग्स को जरूर से केयरफुली अप्लाई कर लेना। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है, अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन, इसको यहाँ पर सेट कर देना है। जैसे इसको सेट करोगे तो आपका काम आधे से ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी सेटिंग ये है कि आपको सबसे पहले जो जो नीचे वाला ये जो सेलुलर डाटा वाला ऑप्शन है, इसको भी ऑन कर लेना है। अगर इसको आप ऑन नहीं करते हो तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपकी ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो सो अभी ये दो चीज़ कर लेने के बाद अभी आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है और मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना है। अभी फिर अपने अपने फ्रेंड को कहना है कि वो अपना वाईफाई को ऑन करे और हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा ही होगा तो फिर ही ये चीज़ वर्क करती है। शो तो हो जाएगा आपको अपने मोबाइल में कि आपका फ्रेंड खेल रहा है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा पहले जरूरी है अगर आपने दोनों ने कनेक्ट होना है। तो अभी आपने कुछ इस प्रकार से अपने कनेक्शन कर लेने हैं, अपने मोबाइल में मोबाइल डाटा और हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है और अपने दोस्त को कहना है वाईफाई ऑन कर मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए। इतना कर लेने के बाद बस यही आपकी एक सेटिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन्हीं सेटिंग्स के ही वजह से आपकी ये गेम चलेगी, नहीं तो अगर आप इसको नहीं चूज़ करते हो सेटिंग्स को या नहीं अप्लाई करते हो तो आपको अनेबल टू कनेक्ट वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। सो दोस्तों, इस ट्रिक को जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना। तो अभी बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। सो दोस्तों, इसके बाद अभी सिंपली से आपको क्या करना पड़ेगा वो है दोस्तों साइन इन, ठीक है। अभी आपको कि भाई साइन इन के साथ तो मेरा होगा नहीं, मेरे को साइन इन करना नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मेरी बात सुनो, अगर आप साइन इन करोगे तो ही ये ट्रिक वर्क करेगी, तभी आपका फ्रेंड आपको देख पाएगा ऑनलाइन और तभी आप उसको अपने फ्रेंड को ऑनलाइन देख पाओगे। इसीलिए साइन इन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि साइन इन कैसे करते हैं, ऊपर आई बटन में एक वीडियो की लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि साइन इन कैसे कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्रॉपर बता रखा है कि कैसे साइन इन करते हैं। अगर आप दोस्तों अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हो, वहाँ पर भी मैंने बताया है। अगर आप अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हो, वो भी बताया है। मतलब सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सॉल्व करी हैं। सो बस उस वीडियो को जाकर चेक आउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। सो दोस्तों, इतना कर लेने के बाद आपका आधा काम फिनिश हो चुका है, तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, वो है सबसे मेन चीज जिसके साथ ही आपका वर्क 100% करेगा, क्योंकि वही चीज है जो फॉल्ट देती है, इसलिए इसको जरूर से देख लेना। सो दोस्तों, थर्ड नंबर पर जो हमारी ट्रिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो क्या है, वो है दोस्तों जहां से आपने माइनक्राफ्ट को डाउनलोड किया है उसी लिंक वही वर्जन से अपने दोस्त से भी वही माइनक्राफ्ट डाउनलोड करवानी है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में भाई बिठा लेना, जहां से आपने डाउनलोड किया है अपने दोस्त को भी वहीं से डाउनलोड करवानी है। मतलब कि अगर आपने किसी जैसे मेरी लिंक से आपने डाउनलोड किया है, अपने दोस्त को कहना है उसी लिंक से वही वर्जन को वो डाउनलोड करे। अगर उसका वर्जन अलग होगा और आपका वर्जन अलग होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि आपका फ्रेंड ऑनलाइन है या नहीं। सीधी साधी भाषा में बता रहा हूँ, सेम वर्जन होना चाहिए, सेम जगह से आप दोनों ने डाउनलोड कर रखी होगी, तो फिर ही ये चलेगा। सो बस दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि
माइनक्राफ्ट का कोई एक लेटेस्ट वर्जन की लिंक दे दो, तो एक मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है, उसको जाके जरूर से चेक इट आउट कर लेना। आप और अपना दोस्त दोनों एक बार दोबारा से नई माइनक्राफ्ट को डाउनलोड कर लेना। अभी जो आपके पास है उसको आपने डिलीट कर देना है। अभी उस लिंक से जाकर आप दोनों फ्रेंड उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, फिर आपका 100% वर्क कर जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, जहां पर अब मैंने बताया है कि कैसे डाउनलोड करना है। सो दोस्तों जा सकते हो इस वीडियो के बाद में, तो उसको जाकर जरूर से देख लेना। अभी बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ट्रिक की तरफ, जो की है कि कैसे अपने फ्रेंड को ऐड करना है और कैसे शो करवाना है। सो दोस्तों अगर आपने पहले के स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है, तो ये वाले स्टेप्स को भी जरूर से अप्लाई करना। अभी यहीं पर मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपका फ्रेंड आपको दिखेगा और वो आपको कैसे देख पाएगा। सो अभी दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐड फ्रेंड्स में चले जाना है। मतलब ऐड फ्रेंड आपको कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको दोस्तों फ्रेंड्स टैब में। फ्रेंड्स टैब में जाने के बाद ऐड फ्रेंड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, वहां पर अपने फ्रेंड की आईडी डाल देना है। यहां पर मेरे पास अभी दो मोबाइल है, अभी दूसरे मोबाइल पर एक एपिडेमिक फैक्ट वाली आईडी है, अभी मैं वो वाली आईडी डाल देता हूं। मान लो कि वो मेरा फ्रेंड है और वो यूट्यूबर वाली आईडी मेरी है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एपिडेमिक फैक्ट को सर्च कर उसको फ्रेंड की लिस्ट में रख लूंगा। आपने भी ऐसे ही करना है कि अपने फ्रेंड की आईडी डालने के बाद उसको फ्रेंड की लिस्ट में रख लेना है। दोस्तों इतना कर लेने के बाद अभी आपने क्या करना है, एपिडेमिक वाले फोन में चले जाएं। जैसे अपने फ्रेंड को कहना है कि मेरी आईडी सर्च करे, अभी मैं एपिडेमिक वाले फोन में जाने के बाद वो यूट्यूबर वाली आईडी सर्च करता हूं और इसको मैं अपने आप को मतलब कि फ्रेंड की लिस्ट में डाल लेता हूं। मतलब अभी हम दोनों तरफ से फ्रेंड बन चुके हैं। सो दोस्तों अभी आपने सिंपली से क्या करना है, किसी भी अगर वर्ल्ड को खेलना चाहते हो, पहले उसकी सेटिंग्स में जाकर देख लो कि उसका मल्टीप्लेयर ऑन है कि नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो आप नया वर्ल्ड बना सकते हो, उसमें उसको बुला सकते हो। तो ठीक है, आपने मल्टीप्लेयर को जरूर से जरूर ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों जिस वर्ल्ड में आपने मल्टीप्लेयर को ऑन कर रखा है, उस वर्ल्ड में आपने एंटर हो जाना है। अभी आपने दोस्तों अपना इंटरनेट को जरूर से जरूर ऑन रखना है। अगर आपका इंटरनेट ऑफ रहेगा तो आपके फ्रेंड का भी इंटरनेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट किया है अपने फ्रेंड को। सो अभी दोस्तों उसमें एंटर हो जाने के बाद अभी आपने क्या करना है, उसको इनवाइट भी कर सकते हो साइड में। जैसे ही आप रिज्यूम करोगे गेम को, वहां पर इनवाइट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसको इनवाइट भी कर सकते हो। वैसे अगर वो आपका फ्रेंड फ्रेंड्स टैब को दोबारा से खोलकर देखेगा तो उसको दिख जाएगा कि आप गेम खेल रहे हो और 5 जाने ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां पर अभी आपने अपने दोस्त को कह देना है कि वो जल्दी से उस पर क्लिक कर ज्वाइन हो जाए। अभी वो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप सक्सेसफुली उसमें ज्वाइन हो जाओगे। आप और आपका फ्रेंड अभी दोबारा से आराम से खेल सकते हैं और विदाउट एनी लैग वगैरह। अगर आपका इंटरनेट बढ़िया है तो विदाउट एनी लैग आप खेल सकते हो। अगर आपका इंटरनेट नहीं बढ़िया तो आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को भी एक ही वाईफाई से कनेक्ट करोगे और अपना मोबाइल भी एक ही वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास वाईफाई है तो कर सकते हो ऐसा भी। सो दोस्तों ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड टैब में और आराम से शो भी हो सकता है और वो फिक्स भी हो जाएगा। सो बस दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अभी तक आपने नहीं पता है आपको कैसे साइन इन करना है, ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। और राइट साइड में आपको एक प्लेलिस्ट आ रही होगी सर्वर्स ओनली की, यहाँ पर सर्वर के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, तो इसको जरूर से देख लेना।